उस लड़के से हम हार गए। वो जादुई पारा एक जरिया था मलिका तक पहुंचने का, वो उसे भी ले गया। उसे भी ले गया। दिखाइए भाई जान, दिखाइए। बचपन से समझाती आई हूं ना आपको कि जब दुश्मन सामने खड़ा हो तो बेकार के जुमले बोलकर वक्त बर्बाद नहीं करते भाई जान, दुश्मन को बर्बाद करते हैं। लेकिन नहीं, आपको तो लुत्फ उठाना है। मुझसे लड़ने से सच बदल जाएगा क्या भाईजान? क्योंकि सच तो ये है कि अलादीन ने आपसे आपकी सोन मीनार, फिर आपकी वजीर की गद्दी, आपका जिन, आपकी मंगेतर, अब तो आपका वो जादुई चिराग भी छीन लिया। अब्बू जान मैं ठीक कहा करते थे, आप ना खानदान का नाम डुबोने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं बस। जबान को लगाम दो वरना हम ये भूल जाएंगे कि तुम हमारी बहन हो। क्या करेंगे? मारेंगे मुझे? मारिए, मारिए, आज खत्म कर दीजिए आप, मारिए। भाईजान इससे कोई फायदा नहीं है, मुझसे लड़ने से कोई फायदा नहीं है, आपका ही नुकसान है। क्योंकि आज इस वक्त अगर कोई आपके साथ खड़ा है तो वो हम है, हम खड़े। हमें छोड़िए, अलादीन के बारे में सोचिए। वो किसी भी वक्त अपनी टोली और वो जिन और सुल्ताना के साथ हमें ढूंढता हुआ यहां पहुंचता होगा। हमें यहां से निकल जाना चाहिए, पर हम कहां जा सकते हैं? ऐसी कौन सी जगह है जिसके बारे में उस लड़के और उसकी टोली को खबर ना पड़े? ऐसी तो एक ही जगह है। कौन सी जगह, किस जगह की बात कर भाई जान, हमें बताइए तो। रुकिए भाई जान। क्या सोच रहे हो तुम? क्या सोच रही? पहले तुम बताओ। हम ये सोच रहे थे कि जब अलासमीन होगी तो उसे बताने के लिए कितनी कहानियां और कितने किस्से होंगे हमारे पास। और मैं ये सोच रहा था कि हमारे इतने किस्से और कहानियों के बीच अलासमीन कब होगी। काली चो आका। चलिए आका। हाँ जी मिनी, चले। सुल्ताना यास्मीन, आवाम आपका इंतजार कर रही है। गुल्लू चाचा, बगदाद हर साल जश्न फतेह मनाता है, वो जश्न जो बुराई पर अच्छाई की फतेह के लिए मनाया जाता है, जिसमें मुल्क के हर दुश्मन को बदवा दी जाती है। पर बदकिस्मती से आज तक उमर और अलादीन को सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है, पर अब बद्दुआ उसे दी जाएगी जो वाकई इसके लायक है। सफर को इस साल इस जश्न में सबके सामने सच आएगा। इंशाल्लाह भाई, मेरे भाई ऐसा ही होगा। जीनू 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 रुक। जीनू 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 मेरी बात तो सुन। रुक, अलादीन देखना कितना परेशान कर रहा है मुझे। 51 रोटियों से आज तक तेरा पेट भरा है? हाँ, अच्छे से खा बेटा। जीनू जीनू। अम्मी, अगर ऐसे ही चलता रहा ना
तो जिनी मिनी और ये किसी के घर जाएंगे तो लोग कहेंगे कि भाई हमारे पास तो पानी है, मटका लाने की क्या जरूरत थी। ले ठेंगा, तुम्हारे इस मुखौल पर कोई नहीं हंसा। कुंभौले ठीक है, अब तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अरे वाह, देखो बहू अभी तक घर आई नहीं और बेटे ने माँ को ना कहना शुरू कर दिया। देख रहे हैं चाची जान? कुन्नू, मुझे क्या पता था कि बुढ़ापे में ये दिन देखने पड़ेंगे मुझे। मम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं तो मजाक कर रहा था। या अल्लाह, जिन्हू तुम्हारे खाना ना खाने से अम्मी को गहरा सदमा पहुंच गया। देखो इन्होंने बुढ़ापे की बातें करना शुरू कर दी। अरे रे रे रे, बस 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 ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, कान बंद करके बस खाना ही खाऊंगा। लाइए बीबी, छा गई गरीबी तो आप सब मुझे यहाँ पे बुद्धू बना रहे हैं। जिनू, जो काम अल्लाह मियाँ ने पहले ही कर दिया उसमें मेरी क्या जरूरत। अल्लाह मियाँ ने कौन सा काम किया? इतने इंतजार के बाद मुझे मेरा भाई वापस मिला, क्या मैं थोड़ी टांग खिंचाई ना करूँ? बिल्कुल सही। अच्छा बिल्कुल सही, लेकिन मेरी टांग तो है नहीं, तो अगर खिंचाई करने का इतना ही मन है तो मेरे हाथ खींच लो। लाओ खींचता हूँ। अरे अरे अरे, तुम लोग बस करो, हंसी मजाक तो चलता रहेगा, लेकिन अभी खेल का आखिरी पड़ाव बाकी है। जब नकचड़ी आवाम के सामने जाएगी और उन्हें यह तसल्ली देगी कि उनकी सुल्ताना बिल्कुल ठीक है और जश्न फतेह का ऐलान करेगी, तब हम उस सफर को ढूंढने जाएंगे। ओ, ढूंढने क्यों जाएंगे? मेरा जादू है ना, मैं अपने जादू से पता कर लूंगा कि वो कंबख्त इस वक्त कहां है और उसे यहां ले आता हूं। कोई कहीं नहीं जाएगा। नहीं जिनू, ये लड़ाई हम सबकी है, लेकिन इसे खत्म मैं करूंगा। उस शैतान ने मुझसे मेरे अप्पू को अंगूठी छाप को छीन लिया, नकचड़ी से उसके अप्पू को छीन लिया, तुम्हें और अम्मी को सताया, मुझे मेरे अपने लोगों की नजरों में गिरा दिया, कत्तार बना दिया। उसे तो मैं रंगे हाथों पकड़ के घसीटा हुआ यहां लेकर आऊंगा। पर आका, आप बाहर गए और आवाम आपके पीछे पड़ गई तो? मुझे कुछ नहीं होगा चाचा, कोई मुझे नहीं रोकेगा। मगर कैसे? खेल जहां से शुरू हुआ था वहीं जाकर खत्म होगा। और
साथ ही साथ खत्म हो जाएंगे तेरे झूठ और तेरी सारी चालबाजियां भी। तैयार हो जा जफर, आज बगदाद पहली बार तेरा असली चेहरा देखेगा। नाम जहर, नाम जहर। या अल्लाह, इस हुलिये में तो हमारे जहर का कहर किसी पे काम नहीं करेगा। अगर किसी ने मैं पहचान लिया ना ऐसे, सच बता रहे हमारी नाक कट जाएगी। तो अपना मुंह बंद रखो ताकि तुम्हें कोई पहचान ना सके। बस एक बात बताएं भाईजान, आपकी सारी तरकीबें ना बहुत ही बेकार की होती हैं। पता नहीं क्या सोच के हमें भटियाल बना दिया है। बिल्ली ईरान की, बहन कूड़ेदान की। खैर, बताइए हमें क्या करना है। अलादीन के खिलाफ एक गहरी साजिश में मच्छर का साथ देना। अलादीन और उसके साथी हमें ढूंढते हुए बहुत जल्द आने वाले हैं, पर हम जाकर एक ऐसी जगह पर छुपेंगे जिसके बारे में वो सोचेगा तो जरूर। लेकिन कुछ देर के बाद और ऐसी जगह मच्छर की गुफा। और अलादीन, उसका क्या करेंगे हम? वही हाल जो किसी जानी दुश्मन का किया जाता है। जैसे कि वक्त, वक्त दुश्मन को मजा चकाने का है जहर। बस तुम हमारे साथ रहना और फिर जैसा हम कहे वैसा करते रहना। भाई तुम्हें लगता है ये पैतरा काम आएगा? हाँ जिनू, अब तुम अपने जादू से ये पता करो कि वो सफर कहाँ है। जो हुक्म मेरे आका। चाचा की बीवी होती है चाची, खालू की बीवी होती है खाला। कहाँ है ये वजीर लाला? इससे पहले कि जरूरत से ज्यादा शातिर उस लड़के को हमारी चाल समझ में आए, हमें मुच्छड़ के गुफा में पहुंच जाना चाहिए। ये मुच्छड़ है कौन भाईजान? आपने उसका हुलिया क्यों ले रखा है? बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, सफर में सुनाते हैं तुम्हें। आने दो। सफर सफर, दुनिया बोले सफर सफर। बेटे के तुम समझा, जिसे सिला हुआ पापड़ वो तो मिर्ची का अचार निकला। दुश्मन 19 से ज्यादा होशियार निकला। और अफसोस जफर, तेरे सारे खानदान की होशियारी भी ना आज काम नहीं आने वाली। वो सोच रहा है कि वो मुच्छड़ बनकर मुच्छड़ी गुफा में चला जाएगा तो हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। गलत सोच रहा है। चिराग में क्या है? भाई क्या सोच रहे हो? चलो, हमें उस कंबख्त को फीके हाथों पकड़ना है। फीके हाथों नहीं, रंगे हाथों। अरे वही मतलब, रंगे हाथों। अगर वो कंबख्त चला गया तो हमारे रंग उड़ जाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो जिनू, चलो फिर दुश्मन से मिलते हैं। जो हुक्म मेरे आका, फूल बगीचे में खिलते हैं, चलो उस कंबख्त से मिलते हैं। घबराओ मत जिनू, सफर ने इतने देर से हमारी आवाम को अंधेरे में रखा है, लेकिन अब उनकी सुल्ताना उनका हाथ पकड़कर उन्हें सच्चाई की रोशनी में लाएगी।
और तुम्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो हम पर यकीन करते हैं, तुम भी करो, तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। बगदाद की आवाम बहुत खुशकिस्मत है कि उन्हें आपके जैसी सुल्ताना मिली, और शेख जिन्हों खुशकिस्मत है कि उन्हें तुम मिली, वो है फलों के दीवाने और तुम उनकी आलू बुखारा जी। हाय तारा जी। सुल्ताना यात्री जिंदाबाद। लगता है सब लोग आ गए, हम चलते हैं। सुल्ताना यात्री सलामत रहे। सुल्ताना यात्री जिंदाबाद। सुल्ताना यात्री जिंदाबाद। सुल्ताना यात्री जिंदाबाद। सुल्ताना यात्री जिंदाबाद। हमने आज आप सभी को यहां बुलाया है शुक्रिया कहने के लिए। अगर आज आपकी सुल्ताना आपके सामने सही सलामत खड़ी है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआओं और आपकी मोहब्बत की वजह से। शुक्रिया हमें हर बार हर खतरे से हर मुसीबत से बाहर निकालने के लिए। शुक्रिया। हर साल की तरह इस साल भी हमारे बगदाद में जश्न फतेह मनाया जाएगा। आप सभी को उसमें शरीक होना है। सलामत रहे। और हर साल की तरह इस साल भी हम जश्न फतेह की सारी जिम्मेदारियां हमारे वजीरे आला को सौंपते हैं। माफ कीजिएगा सुल्तान, हमने वजीरे आला को हर तरफ ढूंढा पर कहीं नहीं मिले। आप सब फिक्र मत कीजिए, वजीरे आला ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और अब हम भी उनके लिए कुछ करेंगे। बेशक हम उन्हें खुद ढूंढेंगे। सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद। सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद। सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद। सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद। हम उस गद्दार को ढूंढेंगे और सबके सामने बेनकाब करेंगे। अब तेरा क्या होगा सफर। सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद। सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद। सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद। हटिए हटिए, हमारे बूढ़े दादा जान को आने दीजिए, जगह दीजिए भाई। दादा जान, अपना भाई भी तो कह सकती थी। कोई मानता कहाँ भाई जान, और एक तो आपके कहने पर ये गरीबों के इलाके में आए हैं और आप हमी से बहस कर रहे हैं। बात बताइए भाई जान, कि आपके मुच्छड़ की गुफा का बदबूदार इलाके में होना जरूरी था। वो इसलिए क्योंकि मुच्छड़ को ढूंढने के लिए इन सड़ी गली गलियों से गुजरना पड़ेगा, इसके बारे में कोई सोचेगा तक नहीं। अब वो गुलगुला हमारे साथ होता तो यहाँ से हमें जाना नहीं पड़ता, पर अब क्या करें, वो तो रहा नहीं हमारे साथ, तो अब और कोई चारा नहीं बचता, इन गलियों से गुजरना ही पड़ेगा। शबनम, तूने मुझे धक्का क्यों दिया? पतली सी गली में हैजी की तरह फैल कर चलेगी तो कोई भी धक्का देगा ना। देख के नहीं चल सकती है तू। तू देखे तो किसी बिल्लियों की तरह लड़ रही है भाई जान। बिगड़ी हुई शहजादियों की तरह नखरे करना बंद करो और चलो चुपचाप यहाँ से चलो। आज तो तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे नहीं छोड़ूंगी। रुक, अभी बता रही हूँ। हाथ पीछे। अरे रुक ना, कहाँ जा रही है? अरे क्या कर रही है? रुक ना, आधा जा।
करेगी इतनी हिम्मत मुझे हाथ लगाओगी? अलादीन वहां पहुंचने से पहले हमें वहां पहुंचना है। तमाशे क्या कर रही हो? पहाड़ में जाए वो लड़का और पहाड़ में गया। पहाड़ में जाए ये सब लोग। आज तुम लोगों को मेरे घर से कोई नहीं बचा सकता। कौन है तू? कैसा कहर? तेरा कहर? अरे हटी है भाईजान, आज मैं तुम सब लोगों को तुम्हारी औकात याद दिलाती हूँ। ये लड़की का दिमाग खराब हो गया है। सुल्तानों को हमारा सच पता चल गया होगा, सिपाही तैनात कर दिए होंगे हमें ढूंढने के लिए। हम बेवकूफ यहाँ हुलिये बदल बदल कर दुनिया से छुपने की कोशिश कर रहे हैं और ये मोहतरमा लगी पड़ी है। क्या समझते हो अपने आप को? बड़ी आई ये औकात दिखाने वाली? कहीं की शहजादी है तू? औकात से तो तू हमारे बराबर की ही लगती है। चुप! खामोश!